विद्यार्थियों, आपके बीच 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में U23 एएससीआई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक अपने नाम किया है। विद्यार्थियों, आपको बता दें कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन के लिए है। आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है, पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है रजत पदक, तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांस्य पदक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, विद्यार्थियों अगर क्लास में पहली बार आओ तो क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थी अपने क्लास को ले सकें और अपने कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकें। इसी गाड़ी के साथ आपको थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों जानिए कि टोक्यो ओलंपियन दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बेशेकेक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्यवाल्डी यानी किर्गिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है, और जीत के बावजूद यह उनकी ओर से एक अच्छा परिणाम नहीं था क्योंकि भारतीय दल को टूर्नामेंट में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विदेशा से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको बता दें कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। विद्यार्थियों, आपके इस 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। आपके बीच ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है राफेल नडाल, दूसरा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, तीसरा ऑप्शन है रोजर फेडरर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, आपको बता दें कि हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे नोवाक जोकोविच, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नोवाक जोकोविच सभी चार ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए सेंटर कोर्ट पर कोन सुनवू को 6-3, 3-6 और 6-3 और 6-4 से हराया। अपनी जीत के दम पर दुनिया के पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में अपना 80वां मैच जीतकर इतिहास रच दिया है और 6 बार के चैंपियन ओपन एरा में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम से कम इसमें 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, याद करके जाइएगा, नहीं तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। और आपके 2022 के लिए 2022 से 23 तक के लिए हर कंपटीशन पूछा जाएगा, आपको बता दें बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ रहे हो आप? विद्यार्थियों, आपके बीच 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चौवालू कृष्ण कुट्टी का निधन हुआ है, वे कौन थे। आपके बीच ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है फिल्म निर्देशक, दूसरा ऑप्शन है फिल्म निर्माता, तीसरा ऑप्शन है कवि, चौथा ऑप्शन है संगीतकार। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संगीतकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी से थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि केरल के प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और पत्रकार चौवालूर कृष्णन कुट्टी का त्रिशूर के एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया है और वह 86 वर्ष के थे। आकाशवाणी के पूर्व स्टाफ आर्टिस्ट कृष्णन कुट्टी ने 3000 से अधिक भक्ति गीत लिखे और 200 से अधिक पुस्तकें लिखी और वह दैनिक मलयाला मनोरमा की सहायक संपादक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इसी जानकारी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मोस्ट एंड वेरी नाइस है, ठीक है, बार बार फंसेगा बता सकते हैं, लॉटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या सीन है। विद्यार्थियों, आपके बीच 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय MSAMI पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। आपके बीच ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं, आपको थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME विभाग ओडिशा सरकार को MSME के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर MSME
के क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसी जानकारी से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन मोस्ट लाजवाब है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था मैं, सपने देख रहा था मैं। विद्यार्थियों आपके बीच 15वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और वे किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित है? आपके बीच ऑप्शन ये पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा नीदरलैंड, चौथा दक्षिण अफ्रीका। विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंग्लैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे इसके विषय में कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड एसीबी के अनुसार इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यासी घोषणा की है और मॉर्गन इंग्लैंड की मेंस व्हाइट वॉल टीम के कप्तान थे और 35 वर्षीय कप्तान ने इंग्लैंड के साथ अपने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 2019 में लॉर्ड्स में अपनी पहली आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीत के लिए इंग्लैंड की पुरुष टीम की कप्तानी की है। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी।